जय माता की सभी को। आशा करते हैं माँ की दया से आप कुशल मंगल होंगे। आज बात कर लेते हैं कि माता काली को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र की जरूरत होती है। शाबर मंत्र की, वैदिक मंत्र की, कौन सा मंत्र हमें जाप करना चाहिए, बीज मंत्र जाप करें, कोई भी मंत्र, ओम नाम का जाप करें, किसका जाप करें, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। देखिए, जिन्होंने गुरु धारण किया है उन्हें तो अपना गुरु मंत्र मिला ही है और माँ काली का मंत्र भी उन्हें मिला होगा, तो आप उसका जाप करिए, भटकिए मत, उस पर विश्वास करिए। और जो लोग अभी भक्त हैं, भगत नहीं हैं, जिनके ऊपर कोई सवारी नहीं है, सवारी लेना चाहते हैं, वो माँ की केवल सेवा करिए। और ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस रूप को पूजते हैं, मायने ये रखता है कि माँ को आप भोग क्या देते हैं, तामसिक देते हैं, सात्विक देते हैं। अगर आप तामसिक भोग देते हैं तो माँ शमशान काली की पूजा करिए, और अगर सात्विक भोग देते हैं तो माँ भद्रकाली की पूजा कीजिए, बस इतना सा फर्क है। सात्विक रूप में मनाइए माँ को, क्योंकि सात्विक रूप में माँ माँ होती है, वो अपने बच्चों पर कृपा ही कृपा करती है। अगर आप तामसिक भोग में उन्हें चलाएंगे और ये कह के माँ ये काम कर दो तो मैं आपको ये दूंगा, हाँ माँ तो कार्य कर देती है, पर आप अपने वचन को भूल जाते हो, आप उनका भोग नहीं देते। और जब तक उन्हें उनका जो आपने उनसे डील किया उनका हिस्सा, उनका भोग नहीं दोगे तो माँ आपको बख्शेंगी नहीं, तब आपको माँ नहीं छोड़ेंगी। तो भाई मंत्रों के पीछे मत भागो। अगर आपको भगत बनना है, कोई सवारी आपके ऊपर खेल रही है, तो सबसे पहले गुरु धारण करो। गुरु जो आपको मंत्र देगा आप केवल उसी का जाप करो, यूट्यूब से कोई मंत्र मत उठाओ। और ये जो वैदिक मंत्र आपको बता दिए जाते हैं, हमने भी बताए हैं अपनी वीडियो में, जो माता काली के हैं, जैसे क्रीम उनका बीज मंत्र है, आप इनका जाप करो तो ये बहुत ही भारी संख्या में जाकर सिद्ध होते हैं। और इनके लिए नियम काफी बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये वैदिक मंत्र हैं, वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से आपको इन्हें जपना होगा, उसी हिसाब से आपको समय देना होगा, ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा, बहुत सारे इसमें नियम हो जाते हैं, तो मत पड़ो इनके चक्करों में। अगर आपके ऊपर सवारी है तो सिंपल सी बात, आप किसी भी अच्छे गुरु के पास जाओ जहाँ से आपके कार्य बनते हैं, और उन्हें गुरु धारण करिए, उनके गुरुमुख से वचन मंत्र लीजिए और जाप करिए, माँ आप पर जरूर कृपा करेंगी। और अगर आप भक्त हैं, घर में साधारण तरीके से माँ को पूजना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी मंत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में आप माँ की पूजा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो करो, कोई बात नहीं। माँ को आप नारियल चुन्नी का जो भेंट है वो चढ़ाओ, बस श्रृंगार जितना आपसे पुगता है वो चढ़ाओ, जरूरी नहीं है पूरे 16 ही करोगे आप, 7 श्रृंगार भी माँ को चढ़ा सकते हो। और जो माँ को अब भोग प्रसाद लगाने की बारी आती है, तो माँ तो भाई पान पेड़े से भी खुश हो जाती है। अगर आप पान पेड़ा नहीं दे सकते तो माँ को 5 पतासे भी खिला सकते हो, माँ 5 पतासे पे भी खुश है। जो आपसे बन पड़ता है, अगर ज्यादा भी नहीं है आपके घर में देने के लिए माँ को, तो चावल तो हर किसी के घर में होते हैं, आप मीठे चावल माँ को खिला सकते हैं, गुड़ डाल के जो बनते हैं, थोड़े लाल काले से रंग में होते हैं, जो बड़ी प्रसन्न होकर माँ उनको खाती है। अगर आपके घर में दूध है तो आप माँ को खीर भी चढ़ा सकते हो, चढ़ाइए, प्रेम से पूजिए, माँ आपके हर कार्य को करेंगी। और रही बात मंत्रों की, अब बात करते हैं मंत्रों की। जो गुरुमुख से आपको मंत्र मिलेगा वो सर्वोपरि है, बाकी आप किसी मंत्र के पीछे मत भागो। अगर आप बिना गुरु के कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो उसके जो फायदे और नुकसान है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर मंत्र फायदा देगा तो नुकसान भी देगा। नुकसान ये है कि अगर उस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया और वो आपको ये फायदा हो गया कि आप उससे किसी का संकट उतारने में कामयाब हो गए, किसी को झाड़ा लगाने में कामयाब हो गए। अब झाड़ा लगा के संकट तो आपने उतार दिया, अब उस संकट से आप बचोगे कैसे, वो ज्ञान आपको कौन देगा, उस संकट को कहाँ छोड़ना है, क्या करना है उसका। झाड़ तो दिया आपने, मंत्र सिद्ध हो गया आपका और मंत्र ने कार्य भी कर दिया। अब जो संकट उसका उतर के आपके घर में, आपकी चौकी दरबार में आ गया, उसको कहाँ छोड़ोगे आप, ये ज्ञान आपको कौन देगा, ये ज्ञान गुरु ही देगा। तो भाई बड़े बड़े भक्तों के चक्कर में मत पड़ो, अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। सीधी सी बात, अगर आपको भगत बनना है तो किसी भगत के पास जाके शिक्षा दीक्षा लीजिए, साल दो साल उसके पास खराब करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और जानकारी के अभाव में लोग भटक रहे हैं, और लोग आपको जानकारी देने की बजाय बस पैसे कमाने पे लगे हैं।
हम नहीं कहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगता है तो जरूर करें, अगर दो चार जितने भी लोग सुन पाते हैं तो खुश नसीबी है हमारी कि अगर हम दो चार लोगों को भी बचा पाए अंधविश्वास से। तो देखिए माँ पर विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो, हमारी जंग अंधविश्वास से है माँ से नहीं। तो अपने देवी देवता को पूजिए, उनका प्रेम पाते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय माता दी।